गुड आफ्टरनून बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग जैसे बच्चों क्या होता है, जिसे कातना बोलते हैं, जैसे सूत कातना उसे बोलते हैं, और वीविंग जैसे कोई चीज़ हम बुनते हैं, जैसे हमारे घर में हमारी अगर मदर्स देखोगे तो स्वेटर बुनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वीविंग यानी कि बुनना। दीज रूल्स आर फ्रॉम अर्थशास्त्र। ये रूल्स कहाँ से आए हैं? अर्थशास्त्र है। मेंशन्ड इन चैप्टर सेवन, जो कि हमने चैप्टर सेवन में पढ़े थे। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशल ऑफिशियल। इससे पता लगता है कि कैसे सूत कातना और कोई और वीविंग कोई भी चीज़ बुनना कैसे किया जाता है वर्कशॉप में, किसी के देख रेख में, कोई स्पेशल ऑफिशियल होता है, कोई स्पेशल मुलाजिम होता है उसकी देख रेख में। विडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन, मदर्स ऑफ कोर्ट सन्स, रिटायर्ड वुमेन। कौन कौन इस काम को कौन कौन से लोग करते हैं? विडोज, जो विधवाएं होती हैं जिनका पति नहीं होता है। यंग वुमेन, जवान औरतें। हु आर डिफरेंटली एबल्ड, जो कि अपाहिज होती हैं। या मदर्स ऑफ कोर्ट सन, जो कोर्ट सन्स की वेश्या होती हैं उनके, या तो कोर्ट सन्स बच्चों किसे बोलते हैं? वेश्या को, वेश्या या उनकी माँ। रिटायर्ड वुमेन या रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, जो बादशाहों की जो रिटायर्ड वुमेन्स होती हैं, जो वहाँ काम करते हैं, नौकर करते हैं, जो रिटायर्ड हो गई होती हैं वो ये काम करती हैं। वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, वो औरतें जो रिटायर्ड हो गई होती हैं अपनी नौकरी से, जो उन्होंने टेम्पल में की होती है। मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग, वो उनको यूज़ किया जाता है किस लिए? प्रोसेसिंग, वूल के प्रोसेसिंग के लिए, बार्क के प्रोसेस के लिए, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। वूल ऊन हो गया, बार्क छिलका, कॉटन रुई, हेम्प हो गया बच्चों जैसे कि आपने सुना होगा जिसे दतुरा कहते हैं, एंड फ्लैक्स को भी दतुरा कहते हैं। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वर्क। इन जो ये औरतें ऊपर बताई गई हैं इनको पैसा दिया जाता है कि ये इनकी जो काम, जो ये काम इनके काम की खासियत पे और कितना काम इन्होंने किया उस हिसाब से इनको पैसा मिलता है। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट। वो औरतें जिनको अलाउड नहीं है, जिनको इजाज़त नहीं है घर से बाहर निकलने के लिए, वो क्या करते हैं? अपने नौकरों को भेजती है सुपरिंटेंडेंट के पास, फिर वहाँ से कच्चा माल ले आती हैं एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। और क्या करती हैं? वो घर पे ही काम करती है, घर पे ही चीज़ें बनाती हैं, और वो सारा काम और वो सारी सारी चीज़ें वो सुपरिटेंडेंट को वापस भेज देती है। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो ऑन एट डॉन टू दी कुक टू गिव देयर वर्क। वो औरतें जो वर्कशॉप जा सकती हैं, जिनको वर्कशॉप जाने की इजाज़त है, वो क्या करती हैं? सुबह सुबह अपने काम के लिए जाती है एंड रिसीव देयर वेजेस, और जो उनको काम का पैसा वो ले लेती हैं। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। सुबह सुबह उनके पास, सुबह सुबह बोलते हैं कि सुबह सुबह बहुत लाइट होती थी कि जो उन्होंने काम किया उसको एग्जामिन करने के लिए। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। इन केस अगर कभी कभार सुपरिटेंडेंट किसी औरत को देखता है कि वो कुछ और काम के अलावा कुछ और बात कर रही है, तो उनको क्या देती है? सज़ा मिल जाती है। इफ़ ए वुमेन डज नॉट कम्प्लीट हर वर्क, अगर किसी औरत अपना काम का पूरा नहीं किया, शी विल हैव टू पे ए फाइन, उसको फाइन देना पड़ता है। फाइन के रूप में क्या करना पड़ता है? एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, उसका जो अंगूठा है उसको काटा जाता है, वो उसको फाइन के रूप में देना पड़ता है। नीचे दिया गया बच्चों नहीं कि लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट। उन औरतों का सर उन सारी औरतों की लिस्ट बनाओ जिनको सुपरिटेंडेंट क्या कर सकता है? काम दे सकता है। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल वर्क? क्या आपको वाइल वर्किंग, क्या आपको लगता है कि औरतों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब वो अपना काम कर रही होती है? तो थैंक यू बच्चों, आज के क्लास में हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।